हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन की इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स की रिट्रीट आ चुकी है, तो इसी के साथ साथ ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन दोनों मोड के लिए उनकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। मेनली बात यह है कि जो भी गाइडलाइन जारी की गई है वो स्टूडेंट को माननी होगी, चाहे वो ऑफलाइन का है चाहे वो ऑनलाइन का है। ये तो आपको पता ही है कि MCQs के एग्ज़ाम होने हैं सबके, तो उसमें जो हमारी गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि जो कॉलेज है वो तो मैनेज करेंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटीज़ मैनेज करेंगी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। इसके बाद कहा गया कि अब स्टूडेंट को उस दौरान चेंज करने का कोई भी हक, मतलब चेंज करने का कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड। अब तक कर सकता है, कई किन्हीं कॉलेजों ने परमिशन दे रखी है कि वो अपने HOD के पास जाकर कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे चेंज नहीं कर सकता। वो सिर्फ चेंज तभी हो सकता है जब कोई मेडिकल केस सामने आता है या किसी कोई भी स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। फिर कहा गया कि ओनली जेन्युइन मेडिकल केसेस कंसीडर्ड नॉट ओवर 10% फॉर चेंज मोड ऑफ एग्जामिनेशन बाय द प्रिंसिपल। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ही परमिशन मिल पाएगी और सबको, सभी स्टूडेंट्स को OMR शीट वो अलग अलग ही ऑप्टेन कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई गाइडलाइंस में ये आई कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे हमारे एक पेपर के 4 सेट होंगे ABCD, और स्टूडेंट को उसी आधार पर बिठाया जाएगा इस रेशियो से कि 6, 10, 14 और या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का अवेलेबल उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। अगर ऑफलाइन में 4 सेट हैं तो जाहिर है ऑनलाइन में भी 4 सेट होंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले जो गाइडलाइंस आई थी कि जो सेट होंगे उनमें क्वेश्चंस जो होंगे वो जंबल्ड होंगे, तो जाहिर है कि हो सकता है कि जो अब क्वेश्चंस आए वो जंबल्ड आए। सबके क्वेश्चन सेम होंगे लेकिन ऊपर नीचे होंगे चार सेट में। और एक ये कहा गया कि जो OMR शीट होगी स्टूडेंट ऑफलाइन मोड पर जो देंगे उनको एक उसकी कार्बन कॉपी दे दी जाएगी उनकी आंसर शीट की, मतलब जो भी स्टूडेंट ने लिखा होगा उसकी कार्बन कॉपी नीचे मिल जाएगी उनको। जैसे जैसे वो अपना OMR शीट पे आंसर फिल करते जाएंगे उनकी कार्बन कॉपी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो ओरिजिनल OMR शीट है उसी दिन ही सबमिट करा दी जाएगी नोडल ऑफिस को, और जो आंसर कीज़ हैं जितनी भी पेपर्स की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर ओरिजिनल OMR शीट्स। मतलब जो ये जब OMR शीट्स जो है OMR शीट जित और बुकलेट्स जितने भी हैं वो अगर सेक्रेसी ब्रांच को सबमिट कर दिए जाते हैं तो साथ ही साथ MDU की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी, और अपलोड होने के बाद 24 घंटे होंगे, मतलब जो भी आंसर की है ओरिजिनल आंसर की जो है वो MDU की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। कब? सारे स्टूडेंट्स की सेक्रेसी ऑफिस में देने के बाद ओरिजिनल जो मेन जब सबके आंसर्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स को 24 आवर्स मिलेंगे कि अगर उनको किसी भी आंसर में डाउट लगता है कि हाँ ये इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था ये नहीं, तो उस आधार पर ज़्यादा एवरेज इनकी होगी, भाई हाँ इतने परसेंटेज स्टूडेंट ठीक कह रहे हैं कि ये आंसर ठीक है चेंज होना चाहिए, तो 24 घंटे मिलेंगे तो वो आंसर हम चेंज करा सकते हैं जो ओरिजिनल आंसर की अपलोड होगी वेबसाइट पर उसमें, ताकि सबके आंसर गलत ना हो। उसके बाद ये कहा गया कि जो ऑफलाइन पेपर दे रहे होंगे उनको करेक्शन करने का कोई वो नहीं है चांस, एक बार उन्होंने भर दिया वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते और अपनी आंसर की को ज़्यादा फोल्ड वोल्ड भी नहीं कर सकते, नहीं तो उनके आंसर की कैंसिल हो सकती है। और जितनी भी OMR शीट्स बच जाती है वो एग्जामिनेशन के एक ही सप्ताह के अंदर वो वापस उनको जमा करा दी जाएगी जहाँ से वो आई है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, ये आज जारी हुई है, मेनली ऑफलाइन मोड के लिए थी, तो इसके साथ साथ ऑनलाइन मोड वालों को भी पता चल जाता है कि उनके 4 सेट आएंगे, अगर ऑफलाइन वालों के हैं तो जाहिर है ऑनलाइन वालों के भी आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमें बतानी ज़रूरी थी। कई स्टूडेंट्स को ये पढ़ने के बावजूद भी डाउट था कि इनका क्या मतलब है, ये हमने इस वीडियो में आपको समझा दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।